नमस्कार, मैं डॉक्टर पिंकी पुरकायस्था, ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सुनंदन भारती कोलकाता एंड प्रिंसिपल प्रज्ञा कला केंद्र, आप सबका स्वागत करती हूँ आज के इस प्रोग्राम में। तो आज एक बहुत स्पेशल दिन है, चैत्र संक्रांति, जिस दिन भारत के अलग अलग स्टेट्स में नववर्ष सेलिब्रेट किया जाता है। हम बंगाली कम्युनिटी के बीच ये साल का लास्ट डे है। अगेन इन बांग्लादेश इट इज सेलिब्रेटेड एज द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर। तो एक कथा बोले ना जे नटराजेर हाथेर मालाय आवर्तित होय छय ऋतु। তবে ঘুরে ঘুরে ছয় ঋতু আবার প্রথম গ্রীষ্মে চলে আসে আর বসন্তে শেষ হয়। তো বসন্তকে বিদায় জানিয়ে গ্রীষ্মে পা রাখার পালা, আগামী বছর সবার ভালো কাটুক, সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। আজ আমার সাথে রয়েছে দুজন নৃত্যশিল্পী। তো আমি পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। তো যে ফার্স্ট पार्टिसिपेंट हैं, आज की परफॉर्मर हैं, उनका नाम है प्रज्ञा। हेलो प्रज्ञा, आओ। सो नमस्ते करो। नमस्ते। तो आज प्रज्ञा कौन सा डांस करने वाली हो? तो हम प्रज्ञा प्रेजेंट करने वाली है बैसाखी फेस्टिवल को विद डांस मस्ती, पंजाबी डांस मस्ती के साथ। एंड प्रज्ञा क्लास टू में पढ़ती है। एंड प्रज्ञा को डांस करना पसंद है? तो ठीक है प्रज्ञा, बैठो। सब सबको बोल दो शुभ नववर्ष। शुभ नववर्ष कल से शुरू होने वाला है, शुभ नववर्ष, है ना। नेक्स्ट जो पार्टिसिपेंट है हमारे साथ वो है नंदिनी झा। नंदिनी हमारी क्लास की काफी पुरानी स्टूडेंट है एंड बहुत सिंसियर स्टूडेंट है। तो ये परफॉर्म करने वाली है सत्य मंगलो प्रेममय तुम्हें ध्रुवज्योति तुम्हें अंधकार। सो सबके लाइफ का जो डार्कनेस है वो इलिमिनेट हो और लाइट से सबकी जिंदगी खिल उठे। तो पहली पार्टिसिपेंट प्रज्ञा को बुलाने जा रही हूँ मैं। प्रज्ञा आ जाओ। I'm starting the music. Check it out. Yeah.
ये था हमारी छोटी सी पार्टिसिपेंट प्रज्ञा का परफॉर्मेंस। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो हमारी नेक्स्ट परफॉर्मर नंदिनी अभी आ रही हैं। तो नंदिनी ने बहुत मेहनत की है। शी इज एक्चुअली नॉट बेंगोली, तो शी इज फ्रॉम बिहार एंड शी स्टेज इन दिल्ली। तो उसने मेहनत से ही इस गाने को समझा है और लर्न किया है, और वो भी बहुत कम समय में। तो लेट्स वॉच हर परफॉर्मेंस। बहुत अच्छे नंदिनी, वेरी गुड, वेरी गुड प्रज्ञा। आओ दोनों आओ। सो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया दोनों ने। थैंक यू प्रीतम दा, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग एंड कीप लाइकिंग। इसी तरह से ये प्रोत्साहित होंगे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो आप सबको कल जैसे कि नव वर्ष आने वाला है, शुभ नव वर्ष।